हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस वर्ल्ड। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गेटिंग हेल्प फ्रॉम माय वीडियोस। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक बेल, construction and working of electric bell. So let's start with electromagnet. What is electromagnet? An electromagnet is a coil of wire wound on an iron core. It is simple copper wire जो कि एक iron core के ऊपर लपेटी होती है, यानी कि wound की होती है. It is a type of magnet in which the magnetic field is produced by an electric current. ये एक इस तरह का magnet है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कॉइल, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब हम इस कॉइल को, जो कि जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इस मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मीन्स इट कैन अट्रैक्ट द थिंग्स मेड ऑफ आयरन। हेयर यू कैन सी द डायग्राम। हेयर दिस इज अ आयरन नेल, देन कॉपर वायर इज वाउंड ऑन द आयरन नेल। आयरन नेल इज ऑल्सो नोन एज आयरन कोर। ओके, एंड अ बैटरी फॉर द सोर्स ऑफ करंट। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन एन इलेक्ट्रो मैग्नेट। यू कैन सी अ पिक्चर हेयर। दिस इज द another diagram. So this is coil of insulated wire. Here you can see this is the nail and this is battery having two terminals, that is positive and negative. So this is a simple electromagnet. So students, you can see here ये एक electromagnet है जो कि एक cell, iron core और copper wire से बना हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर two pins जो है वो attract हुई थी। तो अगर हम इसमें कॉपर वायर के जो वाइंडिंग है वो अगर इंक्रीज करते हैं और एक सेल की जगह दो सेल बैटरी यूज़ करते हैं तो जो पिंस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन वी प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो डिपेंड होता है। तो उसमें से फर्स्ट है करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। उस कॉइल में से जो करंट पास होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, है ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो करंट जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन द करंट इज इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। दूसरा जो फैक्टर है इट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल। जब हम उस कॉइल के ऊपर, यानी कि नेल के ऊपर या फिर आयरन कोर जिसे हम कहते हैं, आयरन कोर पे जब हम उस वायर को वाउंड करते हैं, उसको वाइंडिंग करते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर्स उस कॉइल के होंगे, मतलब जो टर्न्स होते हैं ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो होता है। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज़ इंक्रीज। तो फर्स्ट थिंग है कि जो करंट पास होता है कोर में से, यानी कि वायर में से, उसके ऊपर डिपेंड होता है फर्स्ट तो जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल। थर्ड फैक्टर इज़ द मटेरियल दैट इज़ यूज्ड फॉर कोर। द यूज़ ऑफ एलॉयज सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, इनका जो एलॉय बनता है दैट इज़ अल्निको, कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर हम आयरन की जगह अल्निको यूज़ करते हैं, आयरन कोर जो होता है कॉइल के अंदर उसकी जगह अल्निको यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये तो है सारे फैक्टर्स जो कि स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, एक
electromagnet. Now here you can see one diagram of activity. तो ये activity क्या है हम देखते हैं, और ये activity हम करेंगे किस लिए, to make an electromagnet, वो कैसे बनता है और उसका strength कितना है, या फिर हम strength कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी ये activity है. तो here we have taken one nail, ये एक nail है यहाँ पर आप देख सकते हो. Then ये जो copper coil है इसको हमने उस पर winding किया हुआ है इस तरह से. यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सेल है, इट इज़ नॉट अ बैटरी, इट इज़ अ सेल, क्योंकि एक ही है वो. एंड दिस इज द स्विच, ये आप स्विच इसको बना सकते हो. तो ये सारा अरेंजमेंट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वाइंडिंग है ये दूर दूर है, हा? तो इसमें वाइंडिंग कम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से 4 या 5 जो पिन्स हैं यहाँ पर, या फिर 3 पिन्स हम कह सकते हैं, वो उसके ऊपर अटैच होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो नेल की तरफ अट्रैक्ट हो गई है. अब आप सेकंड जो पिक्चर है, लुक एट दिस पिक्चर, हेयर यू कैन सी दिस वाइंडिंग इज़ मोर. पिछला जो डायग्राम था या पिछली जो कॉइल थी उससे इस आयरन कोर पे ज़्यादा वाइंडिंग है. सेल तो एक ही है, बट आप यहाँ देख सकते हो कि मोर देन 2 or 3 पिंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेल. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा पिंस जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं. तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है वाइंडिंग. यहाँ हमने जो कॉइल है उसमें ज़्यादा टर्न्स दिए हैं, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगा. ये तो हो गया टर्न्स का. देन वापस हम इस पे चलते हैं. तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये सिंगल सेल है. अगर हम इस सेल की जगह एक बैटरी लगाते हैं, मतलब कि एक और यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करते हैं सेल, तो ये बन जाएगी बैटरी. तो इसके लिए हमें एक और सेल अगर यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, मीन्स इट कैन अट्रैक्ट मोर पिन्स. ओके, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम करंट, अगर हम एक बैटरी एक सेल इसमें और जोड़ेंगे कनेक्ट करेंगे, तो इसका जो करंट यहाँ से पास होगा वो ज़्यादा होगा, करंट विल बी मोर. तो जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होता है. तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है, यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो to find out the strength of electromagnet. Then what are the applications of electromagnet? Electromagnets को हम कहाँ कहाँ use कर सकते हैं? Electromagnets are used in all kinds of electric devices. सारे जो electrical devices होते हैं, जैसे कि hard disks होती हैं, hard disks drives, speakers, motors, generators, MRI machines, which utilize magnets to take photos of your इनसाइड. MRI machines हमें पता है, ये हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं इंटरनल पार्ट्स, उसके फोटोज़ लेने के लिए हम यूज़ करते हैं. मोटर्स एंड जनरेटर्स आर वाइटल टू एवरीथिंग वी डू इन द मॉडर्न वर्ल्ड. आजकल जो हम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उनमें मोटर्स और जनरेटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. What does a motor do? एक मोटर क्या करती है और एक जनरेटर क्या करता है? Now look at this. This is very interesting. A motor takes electrical energy and uses a magnet to turn into a motion. Electrical energy को वो turn करती है motion में, है ना? And a generator does opposite. Generator just इसके opposite काम करता है. It takes motion and uses it with a magnet to generate electricity. तो मोटर और जनरेटर है, इनका जो वर्किंग होता है बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होता है. हियर यू कैन सी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. देन हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ मोटर. इस तरह की मोटर्स आपने अगर देखी होगी तो ये बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे पहले, जिसमें कैसेट जो घूमती थी, या फिर फैंस होते हैं, या फिर दूसरे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनमें ये इस तरह की मोटर जो है वो मिलती है.
Devices that use the electromagnetic motors are refrigerators, clothes dryers, washing machines, dishwashers, vacuum cleaners, sewing machines, garbage disposals, doorbells, computers, computer printers, clocks, fans, cars, starters, windshield wiper motors, electric toothbrushes, electric razors, can openers, speakers, music or tape recorders or tape players. So these are all the devices that use electromagnetic motors. Here, so you can see where do we see motors in everyday life, in automobiles, in fan, in washing machines, mobile phones, mixer grinders, and so many things are there. So here you can see a question is there, what makes your phone vibrate? Phone jab hum vibration pe rakhte hain to wo kyun vibrate hota hai? Because it has a motor inside it. Then here are the uses of electromagnets. First, electromagnets are used in the hospitals for treating eye injuries. Here you can see this is the iron splinters, यानी कि आयरन के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो जब आँख में चले जाते हैं बाय एन एक्सीडेंट, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द आईज विथ इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें होता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इस स्प्लिंटर यानी कि फ्रैगमेंट जो आयरन का होता है उसको रिमूव किया जाता है आँख में से. सो दिस इज़ वेरी गुड एप्लीकेशन. देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द क्रेन्स, इस तरह की जो क्रेन्स होती है इन स्टील वर्क्स एंड स्क्रैप यार्ड्स, जो जहाँ सारा गार्बेज इकट्ठा किया जाता है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, जो जिसमें मेटल की बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये जो स्क्रैप यार्ड में से या फिर जो स्टील वर्क्स होते हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में जो हेवी लोड्स होते हैं आयरन के, उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्रेन का, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है. यू कैन सी हियर इन दिस वे दिस आयरन गार्बेज इज मूव्ड. हियर आल्सो यू कैन सी ये भी गार्बेज है, जहाँ भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयरन से बनी होती है एंड दे कैन ईजिली गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द क्रेन. क्रेन का जो आगे वाला पीस होता है वो इसको अट्रैक्ट करता है. Electromagnets are also used in loudspeakers, and electromagnet is used in loudspeaker for simplifying a signal. Then in telephones, here you can see these are the loudspeakers. Then a typical telephone handset that has two parts, the receiver and the mouthpiece, that is microphone. Here microphone is there, mouthpiece. The receiver consists of an electromagnet. तो इसमें जो receiver होता है ये वाला जो हम ear पे लगाते हैं उसमें electromagnet जो है वो use किया जाता है. Then रिले जो होते हैं दे आर द डिवाइसेस, दे आर स्पेशली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जैसे हम हमारे घर में यूज़ करते हैं वो तो होते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस टू मेक और ब्रेक अ सर्किट, सर्किट ब्रेक या ओपन करने के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं. बट रिलेज जो हैं दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बट दे आर ऑपरेटेड रिमोटली फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट, मतलब थोड़ी दूर से, जैसे अप्लायंस होता है जैसे टेलीविज़न है या फिर एसी है उनके जो रिमोट होते हैं, तो इस ये जो रिलेज होते हैं यानी कि सिग्नल्स होते हैं वो थोड़ी दूर से सेंड किए जाते हैं और ये जो है उस अप्लायंस को कंट्रोल करता है, जैसे उसका ओपनिंग है या फिर जैसे टीवी में हम चैनल चेंज करते हैं साउंड को कम ज़्यादा करते हैं, तो ये होता है रिलेज की वजह से, सिग्नल्स का रिले होता है. रिले इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो है वो सर्किट ब्रेक और ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट कैन बी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब हमें उठ के टीवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर एसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार हम रिमोट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं. देन इट इज़ अ रिमोट कंट्रोल स्विच, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इट इज़ अ रिमोट कंट्रोल स्विच. तो इसके जो डिवाइसेस या अप्लायंसेस जो हैं जिसमें ये यूज़ होता है, दैट इज़ एयर कंडीशनर मीन्स एसी, देन एलडीआर जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं और रिमोट कंट्रोल टीवीज होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है. नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक बेल.
ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर काम करने वाला डिवाइस है, जो कि बहुत कॉमन है. एवरीबडी इज़ फैमिलियर विद दिस इलेक्ट्रिकल बेल. इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड ये वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर. तो ये तो एक पूरा इलेक्ट्रिक बेल का मॉडल आप देख सकते हो यहाँ पर. 6 to 8 volt इसको डीसी करंट जो है वो चाहिए, डायरेक्ट करंट यानी कि बैटरी वगैरह, नॉट द एसी. एसी नहीं चाहिए, डीसी पे ये काम करती है. देन वी हैव वन सर्किट डायग्राम. अब इस सर्किट डायग्राम में हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. तो दिस डायग्राम शोज डिफरेंट पार्ट सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप देख सकते हो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. देन इसमें आर्मेचर होता है, देन कॉन्टैक्ट स्प्रिंग, ये कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है और ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, दिस इज स्प्रिंग. देन हैमर होता है एक, और एक गोंग होता है, ठीक है. देन वन स्विच इज देयर एंड बैटरी इज देयर. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक बेल. नाउ हाउ डज इट वर्क, लेट अस सी हाउ डज इट वर्क. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इन दिस वे. When the current is passed through the electromagnet, the hammer is attracted towards the gong and it produces the ringing sound. तो इस तरह से एक electromagnet जो कि electric bell के अंदर होता है वो काम करता है. So when the switch of the bell is pushed, this switch, when it is pushed, the electric current flows to the electromagnet. Electric current जो है वो इस electromagnet में फ्लो होता है. देन वॉट हैपन्स, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर. ये जो स्ट्रिप है, ये जो सॉफ्ट आयरन का जो स्ट्रिप है यहाँ पर, इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करता है. ओके, जब ये स्ट्रिप इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उससे अटैच्ड जो हैमर है ये गोंग के ऊपर हिट करता है. ओके, and then it makes a sound. Okay, then when the soft iron strip gets attracted to the electromagnet, it no longer touches the screw. अब ये जो strip electromagnet की तरफ attract हुई है तो उसका जो connection था यहाँ पर, है ना, उसका जो connection था इस screw के साथ वो cut हो जाता है ना, interrupt हो जाता है, और इसीलिए जो circuit है वो यहाँ पर break हो जाता है. और जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है जो बेल है वो उसका साउंड बंद हो जाता है. इसीलिए हमें डोर बेल को पुश करके रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए. देन इट मेक्स अ साउंड ऑफ रिंगिंग. ओके, इट इज़ मच लाइक अ स्विच बीइंग टर्न ऑफ. और जैसे ही ये स्क्रू जो है इसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ से तो ये ऑफ हो जाता है. This turns off the electromagnets and it can no longer attract the soft iron strip. The soft iron strip returns to its initial position, touching the screw. और जैसे ही ये disconnect हो जाता है, that means circuit जो है वो break हो जाता है और magnetic effect जो यहाँ पर produce हुआ है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से ये strip जो है वो वापस से अपनी जगह पर पहुँच जाती है यहाँ पर, है ना. So this is the working of electric bell. तो once again इसको मैं एक बार वापस repeat करती हूँ. पहले तो हम स्विच ऑन करते हैं, देन जो करंट है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये आयरन का जो आर्मेचर है जिसको हम स्ट्रिप कहते हैं, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. उसकी वजह से ये हैमर जो है वो इस गोंग पे हिट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे ही ये स्ट्रिप यहाँ अट्रैक्ट होती है, इस स्ट्रिप का जो कॉन्टैक्ट है स्क्रू के साथ वो ख़त्म हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है. सर्किट ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रिप है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. इस तरह से जो बेल है वो काम करती है. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल्स है हम कहाँ यूज़ करते हैं. दिस बेल्स आर यूज्ड इन फायर अलार्म्स, देन बर्गलर अलार्म्स, टेलीफोन्स, स्कूल बेल्स, डोर बेल्स, बजर्स एक्सेट्रा. तो इस तरह की जो डोर बेल्स हैं आपने देखी होंगी घरों में, दिस इज़ ऑल्सो डोर बेल. ये स्कूल बेल है, अगर आपने देखी नहीं होगी कभी अपनी स्कूल की बेल तो आप ज़रूर देखना इसके बाद,
ऑब्जर्व करना, वो आपको ऐसे ही दिखेगी. देन दिस इज़ द फायर अलार्म एंड दिस इज़ द बर्गलर अलार्म, जिसको हम कहते हैं, जो लाउड स्पीकर से कनेक्ट होता है. सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट्स, वी हैव थ्री वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. प्लीज वॉच ऑल द थ्री वीडियोज सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.